देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रवार को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में योग सम्मेलन की शुरुआत की, वहीं कई नेताओं और बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपने अपने तरीके से खुद या किसी कार्यक्रम के आयोजन के जरिए अलग अलग तरह से योग किया। बात अगर मुंबई की करें तो यहां मुख्य कार्यक्रम मरीन लाइंस पर आयोजित किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, जबकि मुंबई के मालाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहत को ध्यान में रखते हुए योग जरूरी है, इसीलिए वो यहाँ आई है। और मुझे काफ़ी बेटर महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे योगा करने के लिए। जहाँ तक कि मेरा कहना है कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के अलावा कई मुस्लिम यूथ और मौलानाओं ने भी भाग लिया। बीजेपी के नेता हाजी हैदर आजम ने इस मौके पर कहा कि योग को आज पूरी दुनिया में अहमियत मिल रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ख़ास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में योगा को जो है एक सम्मान देने का काम किया। मिसबा नाम के एक मुस्लिम महिला ने बताया कि उन्हें योग करने के बाद काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और ये सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। इंसान की फिटनेस के लिए है और मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान योगा करे। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।